कोर्ट का फैसला आ चुका है। मैं ये हमारे वृंदावन के ये ब्रजवासी हैं, शुभ नाम अपना नाम बताएं। मेरा नाम आनंद शर्मा है। आनंद शर्मा जी, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं इससे बहुत खुश हूँ, ये मेरे पूरे ब्रजवासियों के लिए बहुत ही उल्लास का विषय है कि आज राम मंदिर की पूरी निर्माण का ऑर्डर आ चुका है। मोदी जी को मैं बहुत नमन करता हूँ, सुप्रीम कोर्ट को बहुत नमन करता हूँ, प्लस मोदी जी को भी बहुत नमन करता हूँ, क्योंकि मोदी जी की सरकार में ही ये ऑर्डर आया है। नहीं, कितनी सरकार चली गई, बन गई, बिगड़ गई, किसी की सरकार में कोई ऑर्डर नहीं आया। मैं मोदी जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्लस सुप्रीम कोर्ट को भी धन्यवाद देता हूँ। राधे राधे। बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत साधुवाद इनका, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये काफ़ी जनता भैया, आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, इसके बारे में आप कुछ कहेंगे? राम मंदिर का जो फैसला आया है, बहुत ही उल्लास यहाँ लोगों में देखा जा रहा है, बहुत ही प्रसन्नता यहाँ लोगों के द्वारा दिखाई जा रही है कि आज मंदिर का जो निर्माण बनेगा। आप माता जी कहाँ से आई हैं? मैं पंजाब से। मंदिर का बनेगा? अयोध्या में लल्ला का मंदिर नहीं बनेगा। हो जय, देखिए काफी भक्त लोग हैं, सब लोग जय श्री राम का नारा लगाते हुए जा रहे हैं। शुभ नाम आपका? पवन सिंगला। पवन जी, आप आज दिल्ली के अंदर में आज क्या पूरे विश्व की निगाह, पूरे विश्व की निगाह आज के हमारे आज के उस पर थी, कानून पे भी आज क्या फैसला आता है। असली में तो आज हमारा अयोध्या का वनवास आज खत्म हुआ है, राम जी का वनवास आज खत्म हुआ है। आज दिवाली मननी चाहिए, आज घर घर विश्व में, पूरे घर में, पूरे हिंदुस्तानों में, पूरे व्यापार मंडल में, पूरे में घर वो देसी घी के दीवे जलने चाहिए। क्या इस समय में जो सौहार्द का जो समय है कि जैसे हिंदू मुसलमानों की जो आस्था दोनों से जुड़ी हुई है, आप उस विषय में क्या कहेंगे? देखो जी, आस्था बिल्कुल दोनों की अपनी अपनी जगह ठीक है। देखो, भगवान में हर उसकी आस्था है, लेकिन ये हमारा इसमें कोई दोराय नहीं है कि राम का जन्म वहीं हुआ था। ये हमें अवदेश मिले हैं, सारे वहाँ पे प्रमाण मिले हैं, नीचे मंदिर की जो है कुछ वो भी मिली हैं, तो इसलिए राम का जन्म वहीं उसी स्थान पे हुआ था। आज हमें बहुत बड़ी जीत मिली है कि हमें वो स्थान राम मंदिर के लिए दे दिया गया और हमारे वहाँ रामलला का मंदिर बनेगा। इसके लिए पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान में आज खुशी की लहर है। जय सर। आप कहाँ से आए सर? हम सूरत से। सूरत से आए वृंदावन दर्शन करने के लिए पूरे परिवार के साथ। वृंदावन कैसा लगा? बहुत ही अच्छा। राधे राधे। अच्छा, आज कोर्ट के द्वारा फैसला आ चुका है, आपको मालूम है? नहीं मालूम है आपको? यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है कि राम मंदिर की जो जमीन है वो राम मंदिर वही बनेगा, और मुसलमानों के लिए 5 एकड़ जमीन कहीं वहीं आसपास में दी जाएगी, आप क्या कहेंगे इस पे? राम मंदिर बनना चाहिए और मुसलमानों को दी जाती है तो उनका भी काम होना चाहिए। यानी कि मुस्लिमों को भी, क्योंकि वो हमारे देश के नागरिक हैं, उनकी भी आस्था को देखते हुए सब कुछ सही होना चाहिए, दोनों को पक्ष में आना चाहिए, दोनों के पक्ष में। आप बेटा सही है, वही वही कैसा लग रहा है आज हमारी जो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यानी आपको अभी तक मालूम नहीं पड़ी है, ये हमारे द्वारा ही आपको अभी मालूम हुआ कि राम मंदिर का फैसला हो चुका है। क्या नाम बेटा? सुमित्रा जैन। आप भी सूरत से ही हैं? नहीं, मैं महाराष्ट्र से। बॉम्बे से आए हैं आप बेटी? हम सूरत से आए हैं। सूरत से। कैसा लग रहा है आज हमारे देश के? बहुत अच्छा लग रहा है। खुशी मनाएंगे आप? दीपक जलाएंगे? मनाएंगे जरूर। नाम क्या है? चार्मी जैन। अच्छा, घर जाके दीपक जलाएगी आज? हाँ। खुशी मनाएंगे ना? जैसा कि ये सूरत से आए हुए हैं, इनके चेहरे को भी मैं देख रहा हूँ कि कितनी बढ़िया मुस्कुराहट हो रही है आज के जो फैसलों को देखते हुए। और इनका कहना है कि ये बहुत ही सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट जो दिया गया बहुत अच्छा दिया गया कि मंदिर वहीं बनना चाहिए, और मुसलमानों को भी जो साइड में 5 एकड़ ज़मीन दे दी गई है वो भी एक बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है। व्यक्ति है आज जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला होने जा रहा है, हाँ, क्या बोलेंगे आप उस विषय में? राम मंदिर बनेगा? राम मंदिर बनेगा, ये आपका पूरा विश्वास है? कहाँ से आए आप लोग? कोटा। कोटा से। क्या नाम है? शुभ नाम? बालकिशन न्याती। बालकिशन सन्यासी जी, आप बोलो राधे राधे। राधे 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 राधे। मंदिर बनेगा? जय हो, जय जय। मंदिर के लिए जैसा कि सभी से पूछ रहे हैं हम, हर व्यक्ति यही कह रहा है कि मंदिर बनेगा। अपन के अंदर में भी पुलिस प्रशासन के द्वारा भी काफी सख्ती देखी जा रही है, और ये हर गाड़ी को भी चेक कर रहे हैं
यहाँ पर कई पुलिस वाले यहाँ पर इस रमण रेती यहाँ ये सोपोटा रोड इसको हम बोलते हैं यहाँ पर मुस्तैदी से ड्यूटी को निभाते हुए आप देख सकते हैं मीडिया आप कैमरे के द्वारा देख सकते हैं कि चारों तरफ में यहाँ पर पुलिस विभाग के द्वारा भी काफ़ी मुस्तैदी से इस आज की जो सुरक्षा व्यवस्था है हमारे देश के ऊपर में जो एक बहुत बड़ा निर्णय होने जा रहा है। आज अयोध्या जी का फैसला आ चुका है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जैसा फैसला दिया गया कि जो राम मंदिर की जो ज़मीन थी वो राम मंदिर की ही रहेगी, वहीं पर मंदिर बनेगा और मुसलमानों के लिए 5 एकड़ ज़मीन वहीं अयोध्या के आसपास में ही दी जा रही है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे, अपना शुभ नाम बताएं जरा। मुझे DC शर्मा कहते हैं। कहाँ से आप? मैं यहीं वृंदावन में हूँ। वृंदावन के आप रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट इंजीनियर आज जो फैसला आया इसके बहुत, बारे में बहुत अच्छा है। बहुत ही अच्छा फैसला आज देश के हित में आया है। देश के हित में नहीं, पब्लिक के हित में, सभी हित में, सभी कुछ हित में ये फैसला दिया गया कोर्ट के द्वारा। वेरी फाइन। और कुछ कहेंगे इस विषय में आप? और क्या कहे, इतना लेट हुआ बस यही दुखद है। यानी इतना लेट हुआ, चलो जो भी हुआ सरकार के द्वारा देर आया दुरुस्त आए। बहुत ही अच्छा इन्होंने कहा कि थोड़ा लेट तो हम हुए फैसला देने में, परंतु जो भी फैसला आया बहुत ही सुंदर फैसला आया, न तो इसमें हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाई, न किसी मुसलमान की आस्थाओं को ठेस पहुंचाई गई है। बोलो राधे राधे।